डियर स्टूडेंट, मैं अनिल आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे सारे नियमों को। चल हम आपको बता दें, ये वीडियो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के ऑनलाइन क्लासेस में 100 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें 18/18 के सेमेस्टर 1 का पेपर है। इसी पर आधारित आपके जो अगला एग्जाम आने वाला है, वो सारे पेपर इसी पर आधारित हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको बता दें, 2018 के सेमेस्टर 1 का एग्जाम था, उसका टाइमिंग आवर था 1.5 घंटे का। टोटल मार्क्स 75 था, क्वेश्चन की संख्या 25 थी, जिसमें एक का मार्क्स 3 था। OMR बेस्ड था, नो निगेटिव मार्क है। पहला क्वेश्चन है, 0.2 kg कितने के बराबर होगा, कितने ये होगा, इसको हम सोल्यूशन बता दें कैसे हम चेक करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 0.2 से इधर गुणा करेंगे, 0.2 से इधर गुणा कर देंगे, तो आप हमारे पास 200 ग्राम होगा। और 200 ग्राम ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 गुणा 1/2 भागा 1/3 कितने के बराबर है, तो इसको हल करना है। ये देखिए, 1/3 गुणे भागा 1/3 है, तो 1/3 गुणे 1/2। और देखिए, इस भागा को गुणा में परिवर्तन करने के लिए इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऊपर नीचे कर देंगे और यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं। लगा दिए, उसके बाद 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास ये 1/2। 1/2 ऑप्शन में है, 1/2 ऑप्शन बी है, सही है। 3 है 1 गैलन डैश लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, 4.54 लीटर के बराबर होता है। 4.54 लीटर, 1 गैलन 4.54 लीटर के बराबर होता है। रिपीट करके याद कर लीजिए इसको। -5 का व्युत्क्रम होता है, -5 कोई नंबर्स का व्युत्क्रम होगा, और वो -5 है या कोई भी 5 है या 4 है, तो वो बटा में आ जाएगा, इसमें आएगा बट्टे में। -5 है तो 1/-1/5 हो जाएगा, तो 1/5 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 है 7/12, 7/12 एवं -5/16 का योग करना, तो योग करके आपको दिखा दे रहे, बता दे रहे हैं। देखिए, ये प्लस दिया हुआ है, योग करना है, प्लस किए लेकिन यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर ये प्लस के साइन हट के माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 48 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 बार 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 20 8, अब 16 को गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 48 से, 16 3 48 तीन बार में, 5 को 3 से गुणा करने पास 15, 28 को 15 से माइनस करेंगे तो 13 बचे, 13/48, 13/48 ऑप्शन कौन सा है, तेरह बटा में 48 ऑप्शन सी, 5 का सी सही है। एक पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। 2.012 और 201.2 का योग करना है। देखिए, सबसे पहले अगर कितना भी पॉइंट का दशमलव का ऐड करना हो, तो दशमलव के नीचे दशमलव पूर्णांक लिख दीजिए, 2.012 लिखकर, और पूर्णांक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और इसके पहले 1 है, फिर उसके पहले 0 2, इस तरह से बैठाइएगा तो आपका गलती नहीं। फिर यहाँ पर, यहीं पर, यहाँ पूर्णांक यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा देना है। अब 0 और 2 कितना होता है, 2 ये, और 1
और ये टू, फिर दो और वन थ्री जीरो, ये टू, 203.212 आया, 203.212 ऑप्शन देखिए, 203.212 सेवन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 127 सेंटीमीटर डैश के समतुल्य, 127 सेंटीमीटर के समतुल्य कितने के हैं, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर में 0.394 इंच होता है, कितना इंच होता है, 0.394। 127 सेंटीमीटर को इधर से गुणा करेंगे, इधर से गुणा कर देंगे, 0.34 में 127 से गुणा कर देंगे तो 50.038 इंच आएगा। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू हम लिख देंगे 50 इंच। 8 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 50 इंच है, तो ये है बी में 50 इंच, ठीक है। नेक्स्ट 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू होने पर अपने घनत्व के साथ 14 सेमी भुजा वाले एक माइल्ड स्टील के घन का वजन ज्ञात कीजिए। अब भुजा का घन का वजन निकालना, ठीक है, चलिए दिखाते हैं बस। ये देखिए भुजा है, भुजा हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले भार हमको ज्ञात करना है ना, वजन मतलब भार होता है, तो वजन या भार निकालना, भार निकालने का सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व। हमारे पास भुजा दिया हुआ है, तो भुजा से हम आयतन निकाल लेंगे, आयतन होता है वर्ग का, भुजा का वर्ग का आयतन होता है भुजा का क्यू। सॉरी घन का आयतन भुजा का क्यू, 14 का क्यू हो जाएगा, इसको गुणा करें 2744 सेंटीमीटर क्यू। घनत्व हमारे पास दिया हुआ है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, घनत्व कितना दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, तो अब हम वजन आसानी से निकाल लेंगे, आयतन गुणे घनत्व, 2744 गुणे 7.8 ग्राम, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21403 गुणे 2 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में परिवर्तन करेंगे तो 21.4432 हो जाए, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ग्राम को, तो 1 किलोग्राम में हमारा आंसर आएगा। तो 21.432 की कौन सा ऑप्शन है, हाँ तो ये है ऑप्शन ए 21.4 किलोग्राम। 10 है 0.3 लीटर कितने के बराबर, 0.3 लीटर कितने के बराबर है, ये देखिए 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 0.3 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 300 ml हो जाए, 300 ml है ऑप्शन में, हाँ 300 है ऑप्शन ए। 1 मीटर क्यूब के समतुल्य होता है, एक मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, 25.4 mm बराबर होता है, 25.4 कितने mm के बराबर होगा, 1 इंच के बराबर होगा, 25.4 mm 1 इंच के बराबर होता है। 13 नंबर है 6:3:1 के अनुपात में तांबा टीन और जस्ता वाले 90 किलोग्राम भार वाली अलोह कास्टिंग में तांबे का भार होगा, कितना होगा तांबे का भार, तो कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए तांबा टीन और जिंक तीनों का अनुपात क्रम से दिया हुआ है 6, 3 और 1, अब कुल भार कितना दिया हुआ है 90 kg। यहाँ पर तांबे का भार पूछा है कि किसका, तांबे का भार, तो हम तीनों को पहले जोड़ लेंगे 6, 3, 9 और 1, ये हो जाएगा 10,
टोटल अनुपात कितना है 10, तो नीचे रख देंगे 10। 10 में से सिर्फ छठे का भाग पूछा है, तांबे का भाग छठा भाग है ना 10 का, 10 में 6 ऊपर आ जाएगा। अब कुल भार है 90, तब इसको हम सल्यूशन करेंगे। तो 0 से 0 कटा देंगे, बचेगा 9, 9 छक 54 के जी, 13 का 54 के जी ऑप्शन है, 54 के जी ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 एक 100 मीटर लंबी रस्सी है को इस तरह दो भाग में बांटा जाता है कि एक भाग की कुल लंबाई का 2/5 होता है। अलग दो भागों में लंबाई बताइए, अलग अलग दो लंबाई बताना है तो बताते हैं हम। देखिए कुल लंबाई हमारे पास दिया हुआ कितना है, एक लंबाई दिया हुआ है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, और एक भाग की लंबाई इसमें दो भाग में बांटा गया है, तो एक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 2/5 भाग है, कितना है 2/5 भाग, कितने का तो 100 का, इसको 2/5 को 100 भाग कैलकुलेट करेंगे तो 20/25 सही हो जाएगा, कट जाएगा, और 20 × 2 = 40 मीटर। एक भाग की लंबाई इसकी 40 है और टोटल 100 है, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो हो जाएगा 60 मीटर, इसका भाग हो जाएगा 60 × 40 = 100, टोटल लंबाई 100 हो गया। तो ये पहला की 40, दूसरे की 60, 14 नंबर ऑप्शन में 40 60 ऑप्शन बी सही है। पंद्रह है गुणनफल करना है, 2 × 1/2 और 3 × 1/2 की गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 2 × 2 = 4 और 1 = 5 जोड़ देंगे, 5/2 गुणा 7/2, 7×5 = 35/4 और डिवाइड कर देंगे 8.75 है। देखते हैं ऑप्शन किस में 8.75 है, तो सी में देखिए, सी में है 8.75। यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है तब पंप का हॉर्स पावर होगी, तो हॉर्स पावर का एक सूत्र है उसी पे ये बनेगा। ये देखिए हमारे पास बल दिया गया है, क्या दिया गया है, बल कितना है 1000 लीटर, पंप द्वारा उठाया गया पानी बल है, बल उतना ही लगेगा तो 1000 लीटर, उसी को हम बल बोल सकते हैं। विस्थापन मतलब पानी की जो ऊंचाई है उसको हम विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं विस्थापन, ये रूल है इसलिए बैठाने के लिए हम बल विस्थापन के। देखिए हॉर्स पावर का रूल होता है बल गुणे विस्थापन बटा में समय गुणे 4500, तो बल हमारे पास है 1000, विस्थापन भी है 45 मीटर, समय है 1 मिनट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1000 यहाँ 0, ये 0 कट, दोनों 0 कट जाएगा, 45 से 45 कट जाएगा, बचा 10 हॉर्स पावर, ठीक है। ये हम चलते हैं 10 हॉर्स पावर ऑप्शन नंबर कौन सा है 16 का, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करें। 4000 किलोग्राम भार वाली एक कार 25 किलोमीटर/सेकंड यात्रा करके करने पर एक समान मंदन से 5 सेकंड में रुक जाती है, तब उसे मंदन ज्ञात करना है, क्या करना है मंदन, तो मंदन ज्ञात करना सिखा देते हैं। देखिए ये एक रूल होता है, इसमें हम U है 25 किलोमीटर/सेकंड, T है 5 सेकंड, वेलोसिटी है 0, तो हम इसको यूज कर रहे हैं इस रूल को, तो 0 हो गया, V का वैल्यू 25 हो, U के वैल्यू 25+5 और T 5 हो गया, एक T की वैल्यू और A वैसे के वैसे उतार दिए, तो हम इस 5 को इधर जब लाएंगे तो प्लस में से जाएगा इधर माइनस, और ये 25 का 25 है, अब -5 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कट जाएगा 5 बार, -5/सेकंड के चाल से रुकेगी गाड़ी।
मंदन गति क्या होगी? -5। -5 ये दर्शाता है गाड़ी स्लो होते जा रही है, क्या हो रही है? स्लो। और +5 में आता तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ती जा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ग अपने अंतिम अंक 6 के साथ समाप्त होता है? लास्ट वर्ड बताना है, किसमें लास्ट वर्ड 6 है, किस वर्ग तोड़ने पर। देखिए 19 का वर्ग 361 है, इसके अंत में 1 है। 82 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है। 109 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ रहा है। तो 24 का वर्ग करेंगे तो 6 आ रहा है। तो हमारा 24 जो ऑप्शन है क्या है, सही है। उन्नीस है, एसआई प्रति में ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। शक्ति की इकाई होती है किलोवाट। ये सब याद रखना है, ये हमेशा एसआई यूनिट पूछता है, पूछा भी है और पूछेगा भी। ऐसा यूनिट आप ये सब याद रखना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट। अनुपात x अनुपात 4 इक्वल टू 9:6 है। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए हम x का मान ज्ञात करना बस सिखा दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। देखिए तो हम इस तरह को हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में कर देते हैं, बटा में करेंगे तो यहाँ भागा में तो इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तब गुणा में आ जाएगा तो नचो 36 बटा में 6 6 6 36 बार में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कीजिए, इसका ऑप्शन में है सी करेक्ट है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, 2304 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2304। तो हमको भुजा निकालना है एक किसी एक का, तो ए निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो 2304 का रूट ओवर 48 होगा। ऑप्शन नंबर 23 में 48 है बी। अब गुणा करना है, 0.1 × 0.01 होगा आपका ऑप्शन सी। गुणा कीजिएगा 0.01 आया, 0.01 आया। 52.5 LBS बराबर होता है। ये LBS निकालना सीख लीजिए क्योंकि कई एग्जाम में आ चुका है इसको। देखिए सबसे पहले आपको ये लर्न करना हो कि एक LBS में कितना kg होगा, तो कितना होगा 0.454। कितना आएगा 0.454। तो 52 को इधर गुणा कर देंगे और इधर गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 23.835 kg। देखते हैं इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 23.835 kg है इसका नियरेस्ट वैल्यू है। ये 23.814 किलोग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है आपको सारे सवाल के समझ में आए होंगे, और जो नहीं समझ में आया वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।